हेलो एवरीवन, जय सोमनाथ गुरु। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल ट्रेक। माय सेल्फ प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टुडे वी आर डिस्कस ऑन एक्सीडेंट स्टडी विच इज द टॉपिक ऑफ ट्रैफिक स्टडीज यूनिट टू सब्जेक्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेवन सेमेस्टर। So, in our last lecture, we briefly discussed on parking studies. Parking studies के बारे में हमने अपने last lecture में studies की। अब हम बात कर रहे हैं accident studies। तो यहाँ पे हम accident studies के बारे में details में discuss कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सीडेंट स्टडीज? एक्सीडेंट स्टडीज क्या, उसको समझना है तो कैसे समझते हैं? तो रोड एक्सीडेंट कैन नॉट बी टोटली प्रिवेंटेड, बट बाय सुटेबल ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट मेजर्स द एक्सीडेंट रेट कैन बी डिक्रीज कंसिडरेबली। एंड द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सीडेंट स्टडी मे बी लिस्टेड एज वैलिडिटी। तो हम रोड एक्सीडेंट को कभी प्रिवेंट नहीं कर सकते टोटली, बट कुछ सुटेबल ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट मेजर के साथ एक्सीडेंट रेट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अल्टीमेटली कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो एक्सीडेंट स्टडीज के लिए ऑब्जेक्टिव लिस्ट आउट किए गए कि एक्सीडेंट स्टडीज को एक्सपेंड करने में हेल्प करें। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्टडीज द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट एंड टू सजेस्ट करेक्टिव ट्रीटमेंट एट कॉजेज ऑफ प्रोसेस। क्या कि कौन कौन से कॉजेज हैं एक्सीडेंट के लिए, उसका स्टडी करना और उसके साथ साथ कुछ ऐसा सजेस्ट करना कि पोटेंशियल लोकेशन पे आप कुछ करेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकें। सेकंड पॉइंट है टू इवेल्युएट द एक्सिस्टिंग कंडीशन है उसको इवेल्युएट करना, टू सपोर्ट पर्पस डिजाइन, जो पर्पस डिजाइन है उसको सपोर्ट करना, टू कैरी आउट स्टडीज बिफोर एंड आफ्टर फॉर इम्प्रूवमेंट, आफ्टर एक्सीडेंट एंड बिफोर एक्सीडेंट जो स्टडीज है वो कैरी आउट करना और उसमें इम्प्रूवमेंट करना, एंड टू मेक अ फाइनेंशियल कॉम्पिटिशन एंड टू गिव अ इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट सजेशन बाय द ट्रैफिक। जो भी हमारे ट्रैफिक इंजीनियर है उसके साथ साथ फाइनेंशियल कॉम्पिटिशन और इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन के साथ देना। सो एज ए ट्रैफिक इंजीनियर, तो एक्सीडेंट स्टडीज को आप कुछ आप अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक पाँच या छः ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टडीज करना कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट का, एक्सिस्टिंग कंडीशन को इवेल्युएट करना, एक्सिस्टिंग डिजाइन को सपोर्ट करना, कैरी आउट से स्टडी बिफोर एंड आफ्टर जो इम्प्रूवमेंट है उसका कैरी आउट करना, किस हिसाब से इम्प्रूवमेंट, और कुछ फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सर्टिफिकेशन देना और उसमें एज अ ट्रैफिक इंजीनियर इम्पॉर्टेंट होगा। सो मेजर टॉपिक इज कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के कॉजेज कौन क्या क्या है, तो वो रहेगा रहेगा हमारे फर्स्ट पॉइंट इज रोड यूजर, सेकंड व्हीकल, रोड एंड इट्स कंडीशन, फोर्थ इज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड अदर पोलिस, इनकरेक्ट साइन एंड सिग्नल, रेट ऑफ लेवल क्रॉसिंग, बेडली लोकेटेड एडवर्टाइजिंग। सो ये कोई ना कोई चीज़ें है जो डायरेक्टली कोज करते हैं एक्सीडेंट। अगर रोड यूजर है, रोड यूजर की फिजिकल मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन भी एक्सीडेंट को कोज करती है, व्हीकल की स्टेटिक और डायनेमिक कंडीशन भी एक्सीडेंट को कोज करती है, रोड की सरफेस की कंडीशन या तो पॉटहोल की अदा है फेल्यूर ऑफ द रोड, दिस वन इज डायरेक्टली अफेक्टेड टू द कॉजेज ऑफ रोड, एंड देन एनवायरमेंटल फैक्टर होगी एटमोसफियर एंड अदर कंडीशन रेनी एटमोसफियर एंड स्लिपरी सरफेस। सो दैट इन दैट टाइम एक्सीडेंट चांसेस आर सो मच। सो अदर कॉजेज लाइक इनकरेक्ट साइन एंड सिग्नल दैट ऑल्सो क्रिएट एक्सीडेंट एंड state of level crossing and badly located advertising board are also create a accident and traffic also. So
in traffic engineer or as a traffic engineer, we have to study these accidents and causes of accidents. So let's start with causes of road accidents. अगर हम road accidents की particular road accidents के बारे में बात करें तो first one is what is road hazard. Road hazard किस रोड यूजर के साथ कैसे एक्सीडेंट हो सकता है. तो फर्स्ट वन इज एक्सेसिव स्पीड एंड रैश ड्राइविंग. स्पीड कंट्रोल के बाहर है या तो लिमिट के बाहर है और रैश ड्राइविंग बाहर है वो भी है. वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल का वायलेशन, फेल्यूर टू परसीव ट्रैफिक सिचुएशन और सिग्नल और साइन, एडवोकेट टायर, केयरलेसनेस, फटी alcohol and sin. जैसे कि हमने बात की कि रोड यूजर की फिजिकल मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन विच वन इज डायरेक्टली अफेक्टेड टू द रोड एक्सीडेंट. एंड देयर आर आल्सो एक्सेसिव स्पीड एंड रैश ड्राइविंग, वायलेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड फेलियर ऑफ ट्रैफिक सिचुएशन लाइक साइन एंड सिग्नल एंड एडवोकेट टाइम आर आल्सो अफेक्टेड फॉर द एक्सीडेंट. सो रोड यूजर आर कॉजेस of accidents and death. Second one is vehicle. So defects such as failure of brake, steering system, tire, brush, lighting system are affected with the accident. Road conditions, skidding road surface and potholes, floods are also causes of road condition. Road design, defective geometric design like inadequate side distance, inadequate width of shoulder, improved curve design, improper traffic control device and improper lighting. अगर मेरा traffic control device improper है, आपको lighting नहीं है, geometry design में problem है, inadequate side distance है, तो overtaking side distance वो ज़्यादा रह गया है या कम रह गया, width of shoulder जो cycling space होती है road की edge के साथ वो कम है, तो improper curve design वो मेरा proper नहीं supervision दिया है, तो उसी वजह से डिजाइन की वजह से भी एक्सीडेंट होने के कॉजेज बढ़ जाते हैं. उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन लाइक मीज, स्नो, स्मोक एंड हैवी रेनफॉल विच इज रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्मल विजिबिलिटी एंड मेटर ड्राइविंग दैट आर ऑल्सो कॉजेज टू रोड एक्सीडेंट. अदर कॉजेज लाइक इम्प्रॉपर लोकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, गेट ऑफ लेवल क्रॉसिंग एंड नॉट क्लोज देन वट दैट आर affected and directly affected to the road accident. So let's start pollution diagram and condition diagram. Okay. Here, as a traffic engineer, अगर मैं accident study करने चाह रहा हूँ तो सबसे most important है कि जो भी मैं data collection कर रहा हूँ उस data collection का presentation में क्या. तो यहाँ पे एक्सीडेंट स्टडीज के अंदर जो मेजर टाइप है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए वो है पॉल्यूशन डायग्राम एंड सेकंड है कंडीशन डायग्राम. सो पॉल्यूशन डायग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं. तो क्या है पॉल्यूशन डायग्राम? सो पॉल्यूशन डायग्राम आर यूज टू डिस्प्ले एंड आइडेंटिफाई सिमिलर एक्सीडेंट पैटर्न. कि जहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट पैटर्न को डिस्प्ले करने के लिए हम एक डायग्राम ऑन पेपर ड्रॉ करेंगे जो सिमिलर एक्सीडेंट कंडीशन को इंडिकेट करेगा या तो सिमिलर एक्सीडेंट पैटर्न को इंडिकेट करेगा. तो वो डायग्राम को मैं पॉल्यूशन डायग्राम बोलता हूँ. अभी डायग्राम में क्या क्या प्रोवाइड होना चाहिए? तो दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट, कौन सा टाइप का व्हीकल है और कौन कितने एक्सीडेंट हुए हैं, इंक्लूडिंग कंडीशन टाइम ऑफ डे, टाइम क्या है, डे क्या है, डे ऑफ वीक क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, फॉगी वेदर है या हॉट वेदर है या तो कोल्ड वेदर है, ठीक है, पेमेंट कंडीशन क्या है, रफ सरफेस है, वहाँ पर पोर्ट हॉल्स है, तो अदर कंडीशन है एंड अदर इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू डिटरमाइनिंग द कॉजेस ऑफ सेफ्टी प्रॉब्लम. कॉजेस ऑफ सेफ्टी प्रॉब्लम है उसको भी डिटरमाइन करना है. तो ये सब इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही डायग्राम में आप ऑन कंडीशन जो कंडीशन है आप
इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डिस्प्ले करना विद बेटर डेटा, तो हम उसको सॉल्यूशन डायग्राम करते हैं। इन द एंड ऑफ ईयर हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक्सीडेंट रिपोर्ट हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जब हम एक्सीडेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तब उस रिपोर्ट में टाइप और एनालिसिस पीरियड में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज एक रिपोर्ट बनाए जिसमें हम कंडीशन और सॉल्यूशन डायग्राम का एक्सीडेंट रिपोर्ट शुड बी ऑर्गेनाइज बाय अ ईयर ऑफ अकरेंस एंड एक्सीडेंट टाइप फॉर एनालिसिस पीरियड। एक्सीडेंट दैट अकर आफ्टर सिग्निफिकेंट चेंज इन हाईवे और लोकल लैंड यूज शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यहाँ पे लोकल लैंड यूज शुड नॉट बी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलिशन डायग्राम। स्केच ऑफ कोलिशन डायग्राम फॉर आइदर एन इंटरसेक्शन और रोडवे सेक्शन यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज शोन इन फॉलोइंग। तो किस हिसाब से मैं कोलिशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ या फिर प्रूव कर सकता हूँ कोलिशन डायग्राम किस हिसाब से होना चाहिए? एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फर्स्ट द स्केच नीड नॉट टू बी स्केच स्केच के लिए कोई स्केच नहीं चाहिए। सेकेंड वन इज शो द पार्ट ऑफ इच व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट विद एक एडवोकेट रूम और इंफॉर्मेशन। जो भी ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के साथ यहाँ पे भी हमको इंफॉर्मेशन मिली है या तो उसके साथ साथ जितने भी व्हीकल वहाँ पे इन्वॉल्व है वो पार्ट होते हुए एक्सीडेंट वो सब व्हीकल को शो करना पड़ेगा। प्लस अ नॉट एरो फॉर ऑरिएंटेशन एंड अदर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। और नॉर्थ एरो को वो जो हम डायग्राम शो कर रहे हैं वहाँ पर नॉर्थ एरो को इंडिकेट करना भी कंपल्सरी जरूरी है, ठीक है। सो अदर इंफॉर्मेशन क्या रहेगी कि लोकेशन आइडेंटिफिकेशन पीरियड ऑफ एनालिसिस एंड लेवल रोड का लेवल लिविंग कंडीशन सेकंड पीरियड ऑफ एनालिसिस टाइम डे डे ऑफ वीक एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। सो ये सब चीज़ें मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिसी डायग्राम के आकर इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉलिसी डायग्राम में एग्जांपल ये दिखाया गया है पॉलिसी डायग्राम क्या है। तो यहाँ पे जैसे हमने आगे बात की कि इंफॉर्मेशन के लिए हमको क्या होना चाहिए यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट करना जरूरी है, ठीक है। तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉर्थ एरो ऑफ ओरिएंटेशन एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है नॉर्थ साइड, ठीक है। यहाँ पे जितने भी व्हीकल की मूवमेंट है विद टाइम एंड डे एंड ईयर के साथ जो भी मूवमेंट है ऑन दैट टाइम वो सब मूवमेंट यहाँ पे इंडिकेट। उसके साथ यहाँ पे कुछ एरो और कुछ निशान है जो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं और ये सब सिंबल के साथ में लोकेशन डायग्राम। तो ये सब सिंबल्स के मैंने यहाँ पे दिए। सिंबल्स क्या है? अगर मैं ऐसा कोई एरो इंडिकेट करता हूँ डायरेक्ट तो वो है मूविंग व्हीकल, ठीक है। और मूविंग व्हीकल के साथ एक तो पैटर्न में जो व्हीकल है तो वो ब्रेकिंग व्हीकल मतलब वो व्हीकल के पीछे से व्हीकल। रोटेट एरो है नॉन इन्वॉल्व व्हीकल, रोटेट एरो अदर रोटेट एरो उसके साथ क्रॉस का निशान जो पेडेस्ट्रियन इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो इस टाइप का बॉक्स है वो इंडिकेट करता है पार्क व्हीकल, कोई बॉक्स यहाँ पे इंडिकेट करते हो वो पार्क व्हीकल हो जाएगा, ठीक है। फिक्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई इंडिकेट आप अगर फिक्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कोई फिक्स ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल है तो उसको मैंने स्क्वायर बॉक्स में इंडिकेट किया है वो एक फिक्स ऑब्जेक्ट है। डार्क डॉटेड लाइन है यहाँ पे डार्क डॉटेड लाइन वो इंडिकेट करता है साइकिल एक्शन, ठीक है। और अंडार्क डॉटेड लाइन वो एडिकेट करता है अगर फैटल कोई है तो एक्सीडेंट डार्क रोटेड लाइन से एडिकेट करूँगा और अंडार्क रोटेड लाइन या तो डॉटेड सर्कल सॉरी डार्क डॉट के साथ अंडार्क डॉट के साथ एडिकेट कर सकते हैं। गियर एंड मूवमेंट को हम इस तरह से एरो एडिकेट करेंगे हेड मूवमेंट को हेड टू हेड मूवमेंट को यहाँ पे दो एरो दिया गया, ठीक है। साइड स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल लेफ्ट टर्न एंड राइट एंगल टर्न को भी इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है उसके चारों साइड जो भी बिल्डिंग का पोस्टर है वही पोस्टर हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है ना वो ऑफिशियली बहुत सकता है।
एक्सीडेंट स्टडीज भी करता है। अब बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट डायग्राम ऑफ एक्सीडेंट स्टडीज, इज वेरी हेल्पफुल एक्सीडेंट स्टडीज। सो दिस इज कंडीशन डायग्राम। क्या है कंडीशन डायग्राम? द पर्पज ऑफ द कंडीशन डायग्राम इज टू शो द इंटरसेक्शन एंड द कंडीशन विद द सराउंडिंग एरिया एज इट एक्सिस्ट। क्या है कंडीशन डायग्राम? कि ऑन दैट टाइम जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे कंडीशन को सराउंडिंग एरिया है या इंटरसेक्शन है वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वहाँ पे रोड है वहाँ पे फॉल्स है या कोई ऑब्जेक्ट है वो कंडीशन है वही कंडीशन है इंडिकेट करना है तो उसके लिए मुझे कंडीशन डायग्राम की जरूरत है। द डायग्राम शुड इंक्लूड द इंटरसेक्शन अलाइनमेंट सच एज बिल्डिंग साइडवॉक ट्रीज लाइट पोल्स वाटर हाइड्रेंट टॉप लाइन नंबर ऑफ लाइन्स लैंड यूज इन रिक्वायर्ड एसोसिएटेड विद स्ट्रीट फॉर्मिंग द इंटरसेक्शन प्लान विद अ फॉर्म द कंडीशन डायग्राम शैल शो द लेंथ ऑफ ऑल एक्सिस्टिंग। The condition diagram provides the engineer with the detail of field condition and helps the investigator the need of both changes to existing traffic control system. क्या है कि अगर geometry system में changes करना है या तो existing traffic control device को changes करना है तो condition diagram बहुत important है। The diagram should also be the part of an intersection stress plan. ये diagram also part of intersection stress plan. इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होगा हाईवे इंटरसेक्शन डिजाइन फीचर इसका पेमेंट एज कर्व शोल्डर को इंक्लूड करना पड़ेगा कर्व शोल्डर है या कर्व शोल्डर विड्थ ऑफ अप्रोच को इंक्लूड करना पड़ेगा अप्रोच रेट को इंक्लूड करना पड़ेगा अगर कोई चैनलाइज सेक्शन है उसको इंडिकेट कर सकते हैं कंडीशन डायग्राम में पार्किंग कंडीशन रिस्ट्रिक्शन को यूज कर सकते हैं बस स्टॉप है सेफ्टी लाइटिंग है कंटिन्यूस लाइटिंग है उसको इंडिकेट करना पड़ेगा एनी अदर रोड वे फीचर विच में अफेक्ट ट्राफिक ऑपरेशन और कोई अदर फीचर रोड की जो ट्राफिक ऑपरेशन अफेक्ट करेंगे उसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पर हाईवे इंटरसेक्शन डिजाइन फीचर्स को हम इंक्लूड करें तो कंडीशन है। दूसरा रोड साइड डेवलपमेंट इंक्लूड। सो रोड साइड डेवलपमेंट जो भी हो रहा है जस्ट लाइक साइड सिस्टम सिस्टम जिसमें ट्रीज है बसेस है एडवर्टाइजिंग है अदर साइंस फैंसीज है ट्रीज है और गार्ड रेल है ये सब चीज़ें भी कंडीशन डायग्राम में ऐड होंगी। ऑफ पार्किंग राइटवे स्टेशन यूटिलिटी एंड अदर फॉल एक्शन प्लान यूज एंड अदर पार्किंग फीचर तो ये सब फीचर कहाँ पे इंक्लूड हो गए रोड साइड डेवलपमेंट। थर्ड है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के हिसाब से साइन ट्रैफिक सिग्नल में टाइप है एंड थर्ड डिस्टेंस टू एक्शन ट्रैफिक सिग्नल बिटवीन 1.6 पर किलोमीटर वन टाइम इंडिकेट विद नॉर्मल एंड बैलेंस मार्किंग टू बैलेंस मार्किंग इसको भी हम कंडीशन डायग्राम में ड्राइंग किया। तो ये जो टाइप है बी सी और डी बी इज हाईवे फीचर सी इज रोड साइड डेवलपमेंट एंड डी इज अ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस ये सब इंक्लूड होंगे कंडीशन डायग्राम। तो अब हम कंडीशन डायग्राम तो ये एक एग्जांपल फिलअप कंडीशन डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है जिसकी वजह से हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कौन सी कंडीशन डायग्राम हम कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन डायग्राम का पूरा फॉर्म आएगा यहाँ पे लोकेशन आएगी कंट्री काउंटी ड्रॉन बाय सिटी का नाम है और डेट है ये सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन हम फिलअप करते हैं उसके साथ साथ सिंबल के साथ साथ हम यहाँ पे कंडीशन डायग्राम होता है। तो कंडीशन डायग्राम किस हिसाब से होता है तो इंटरसेक्शन पे अगर एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे रोड साइड डेवलपमेंट है तो ट्रीज है उसको हम इंडिकेट करेंगे हाईवे पे जो जो चीज़ें हैं कर्व है पार्किंग है ये मीडियम है ठीक है ये जो लेंथ है गाइडवे की जो लेंथ है इंक्रीमेंट मार्किंग ये सब हाईवे के अंदर जो आता है वो इंडिकेट होगा उसके साथ साथ रोड साइड डेवलपमेंट में तो रेजिडेंशियल जमीन है उसको भी इंडिकेट करेंगे सिटी पार्क ठीक है और ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस में ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस में सिग्नल है फॉल्स है ट्रैफिक सिग्नल है फॉल्स है
को भी काम नहीं करता है। तो यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं, ये सिंबल है ट्रीज का, यहाँ पे सिंबल एक हो गया एज का, ठीक है, प्रिजन का सिंबल है, यहाँ पे कोई जमीन है तो ये सिंबल का सिंबल है, यहाँ पे गार्डरेल का सिंबल दिया गया है, पावर कॉल का है, टेलीफोन कॉल का है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल, अगर कॉम्बिनेशन कॉल है तो हाइड्रन है तो यहाँ पे हाइड्रन दिया गया है, कंट्रोल कैबिनेट है, कंट्रोल कैबिनेट के लिए भी एक सिंबल दिया गया है, व्हीकल डायरेक्ट डिटेक्टर लुक, व्हीकल डिटेक्टर लुक का सिंबल है, ठीक है, साइन है, सिग्नल है, सिग्नल और साइन वन फोर्ट और टू फोर्ट के लिए ओवरहेड साइन, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल को हम वैसे इंडिकेट कर सकते हैं एरो के साथ, ठीक है, और रेड सिग्नल को हम वैसे इंडिकेट करते हैं और फिर एरो के साथ जो ट्रैक्टेंगल को, तो ये सब चीज़ें हैं वो कंडीशन डायग्राम में हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक्सीडेंट स्टडीज के मेजर दो टाइप्स है जिसके साथ हम एक्सीडेंट स्टडीज कर सकते हैं, वो है कंडीशन डायग्राम, पॉल्यूशन डायग्राम। तो यहाँ पे हम पॉल्यूशन डायग्राम और कंडीशन डायग्राम के साथ डिस्कशन किया, उसके साथ एक्सीडेंट स्टडीज क्या है और कौन कौन से टर्म्स है जो एक्सीडेंट स्टडीज के लिए इम्पोर्टेंट वो भी हमने देखा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे वर्कबुक और वर्कशीट के लिए हमने ऑलरेडी असाइनमेंट किया है यूट्यूब, यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट स्टडीज के साथ साथ हो रहा है, तो उसके साथ साथ हम ट्रैफिक स्टडीज यूनिट टू में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं लेक्चर वन में लेक्चर टू में वो यहाँ पे मैंने रखा है, खास करके लेक्चर फाइव और सिक्स के लिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट पाथ है, एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ ऑक्सीडेंट पाथ है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट एंड व्हाट आर द रेमेडियल मेजर, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉल्यूशन एंड कंडीशन डायग्राम इज ग्रेट, चार और पाँच क्वेश्चन जो स्थिति जो इम्पोर्टेंट है वो आज हम लेक्चर नंबर फाइव और सिक्स में कंप्लीट कर लिए। उसके अलावा लेक्चर नंबर थ्री और फोर में हम ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे और ये सब डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन स्पोर्ट्स के स्थिति और अदर मेथड है ट्रैफिक वॉल्यूम के, या तो स्पीड स्टडी की, स्पीड एंड डिले स्टडी की, पोजिशन एंड डेफिनेशन स्ट्रेस की मेथड, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है और विद एग्जाम्पल हमने देखा। सो फ्रेंड्स, thank you so much.